हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मोहित। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हर कोई यूट्यूब पे अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन अगर आपको सभी कंपटीशन में से अगर कुछ डिफरेंट करना है तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चैनल कस्टमाइजेशन। चैनल कस्टमाइजेशन क्या होता है, चैनल को कस्टमाइज कैसे करते हैं, ताकि कोई भी विजिटर अगर आपके चैनल पर विजिट करेगा तो आपको वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। बिकॉज चैनल का हम व्यू ऐसा क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से अगर कोई भी विजिट करता है आपके चैनल पे तो उसको सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज वे में दिखेंगी, ताकि उसको पसंद आए आपका चैनल और वो सब्सक्राइब करके जाए। तो आज कल मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कस्टमाइज आपको कैसे करना है अपने यूट्यूब चैनल को। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको चैनल को कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप चैनल को कस्टमाइज़ नहीं करेंगे तो आपका चैनल पूरा बिखरा बिखरा दिखेगा, जिससे कोई भी विजिटर अगर आपके चैनल पे विजिट करता है आपका वीडियो देख के तो उसको प्रॉपरली चीज़ें नहीं दिखेगी, प्रॉपरली आपका चैनल का प्रोफाइल नहीं दिखेगा, चैनल का कवर पेज नहीं दिखेगा, उसको वीडियोस नहीं दिखेंगे, तो उसके कारण वो लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्राइबर गेन करना है अपने चैनल पर तो आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने चैनल को। तो किस वजह से करना है ये आज मैं आपको अपने चैनल पर करके बताऊँगा, जिसके मदद से आप खुद के चैनल पर भी आप कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अब माय चैनल पे अभी मैं प्रेजेंट हूँ डिजिटल मोहित पे, जहाँ पे एक मैंने कवर फोटो लगाई है। नीचे आपको डिजिटल मोहित ये सब दिखेगा और नीचे आपको पॉपुलर वीडियो और शॉर्ट दिखेगा, मतलब ये दो ही दिख रहे हैं, जो पॉपुलर मेरे वीडियो है और एक शॉर्ट्स का सेक्शन आपको दिख रहा है। अभी इनको इसको कस्टमाइज करना है तो सिंपली आपको करना है कस्टमाइज चैनल पे क्लिक। अब इसकी मदद से हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइज अपने चैनल को, और बहुत ही यूज़फुल सेटिंग है ये, आपको खुद भी करना अपने चैनल में, ताकि आपका जो चैनल है वो दूसरे चैनल से काफ़ी अट्रैक्टिव लगे दिखने में। तो गाइस, अगर आपको चैनल कस्टमाइज के सेटिंग में जाना है तो आप YouTube स्टूडियो में जाके कस्टमाइज में भी डायरेक्टली जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको चैनल कस्टमाइजेशन में मिलेगा लेआउट, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो स्पॉटलाइट के अंदर चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब। जैसे कि अगर कोई नया सब्सक्राइबर आता है, मतलब नया यूज़र आपके चैनल पे विजिट करता है, तो उसको कौन सा वीडियो आप दिखा सकते हो। सेकंड है फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, अगर आपका ऑलरेडी सब्सक्राइबर कोई यूज़र है वो आपके चैनल पे फिर आता है तो आपको उसको कौन सा वीडियो दिखाना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको सबसे पहले ऐड कर देता हूँ, अगर कोई नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आ रहा है तो मैं उसको कौन सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं अपने वीडियोज में से कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये है यूट्यूब चैनल मोनिटाइज। और सेकंड है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब है उसको मैं दूसरा वीडियो कौन सा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये वाला 1001K स्पेशल, तो ये वाला वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ उनको। ठीक है, ये दो मैंने वीडियो अभी सेट कर लिया। उसके बाद है फीचर्ड सेक्शन। अब फीचर्ड सेक्शन से आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो अपलोड्स की कैटेगरी है, पॉपुलर अपलोड, शॉर्ट, लाइव नाउ, पास्ट स्ट्रीमिंग, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम, सिंगल प्लेलिस्ट, सब्सक्रिप्शन, फीचर चैनल। जैसे कि अगर आपको फीचर चैनल लगाना है तो आप यहाँ पे अपना दूसरा चैनल भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पॉपुलर वीडियोस, तो जो मेरे पॉपुलर वीडियोस है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं दूसरा सेक्शन डाल देता हूँ प्लेलिस्ट का, सिंगल प्लेलिस्ट। इसमें आपको अपनी प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर मैं यूट्यूब टिप्स वाली प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे पूरे वीडियोस मेरे यूट्यूब रिलेटेड दिखेंगे। उसके बाद मैं और एक सिंगल कर लेता हूँ प्लेलिस्ट, यहाँ पे मैं डोमेन एंड होस्टिंग, एफिलेट मार्केटिंग, ऐसे मैं नंबर ऑफ यहाँ पे नीचे प्लेलिस्ट दिखा सकता हूँ। आप इसको रीएडिट भी कर सकते हो, इसके कंटेंट भी चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आपको चेंज करना है प्लेलिस्ट तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए जाना है जो जो आपको रखना है, जैसे कि मेरे पास लाइव स्ट्रीमिंग है तो वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का सेक्शन दिखेगा। उसके बाद ऐड सेक्शन करता हूँ फिर से, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का भी मिलेगा, फीचर चैनल का। फीचर चैनल में हम अपना दूसरा चैनल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चैनल नेम सर्च कर लेता हूँ, टाइटल आपको देना है सब्सक्राइब अवर सेकेंड चैनल, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना आपका चैनल का नेम। यहाँ पे मैं ये चैनल सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये चैनल नीचे दिखेगा, अगर आपको इसको टॉप पे रखना है तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ तो ये सबसे ऊपर आ गया, इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट की सेटिंग हो गई। मैं यहाँ से और एक डाल सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको दिए, जैसे कि मैं डाल देता हूँ शॉर्ट वाला,
शॉर्ट वीडियोस, तो ये शॉर्ट सेक्शन मेरा सबसे नीचे दिखेगा। उसके बाद आपको कर देना है पब्लिश। तो इसकी मदद से आप अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो, और मैं यहाँ पे व्यू करके आपको चैनल दिखा देता हूँ कि अभी हमारा चैनल कैसे दिखेगा। अभी आपको सबसे पहले ऐसा दिख रहा था बिफोर हमारा चैनल, तो अभी आप देखोगे नया चैनल जो हमने अभी कस्टमाइज किया वो आपको कैसा दिख रहा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा चैनल ओपन हो चुका है, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप पे वीडियो दिख रहा है। अगर कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो तो उसको ये वीडियो दिखेगा, अगर कोई नया यूजर है तो उसको दूसरा वीडियो दिखेगा। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टाइटल दिया था सब्सक्राइब अवर सेकंड चैनल, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट दूसरा चैनल दिख रहा है जहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्सक्राइब कोई कर सकता है। नीचे आप देखोगे तो सबसे पहले पॉपुलर अपलोड्स के वीडियो दिखेंगे, उसके नीचे यूट्यूब टिप्स के वीडियो दिखेंगे, उसके नीचे एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियो दिखेंगे, पास स्ट्रीमिंग जितने भी है मेरे वो यहाँ पे वीडियो दिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेरे जितने वीडियो वो यहाँ पे दिखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने चैनल को, जिसकी मदद से आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, आपके चैनल पे एक अट्रैक्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल का कवर फोटो है, तो आप एक अपना डिज़ाइन कर लेना कैनवा से, मैंने भी खुद वहाँ से किया था, जहाँ से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपना यूट्यूब का कवर पेज, जो कि बहुत ही अच्छा भी दिख रहा होगा आपको। और चैनल कस्टमाइज में यहाँ पे बेसिक इन्फो है, जहाँ से आपको अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन सेट करना है, नीचे आपको URLs वगैरह डालना है, यहाँ पे आपको लिंक्स डालना है YouTube, Facebook, Instagram, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे ऐड लिंक्स का, सिंपली यहाँ पे जाके आपको ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी डालना है अपनी, बिजनेस ईमेल आईडी। ब्रांडिंग में आपको अपना लोगो डालना है, प्रोफाइल पिक्चर जो भी आपका कवर फोटो है, सॉरी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पे डालना है, इसका साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप कैनवा से वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। और बैनर इमेज आपको यहाँ से डालना है, जो कि हम बोलते हैं कवर फोटो यूट्यूब का चैनल आर्ट जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये वीडियो वाटरमार्क, जो कि हर वीडियो में आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखता है कोने में, हर वीडियो में मेरे आपको दिखेगा हमेशा, तो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। वाटरमार्क, वीडियो वाटरमार्क, तो आप यहाँ पे एंटायर वीडियो कर सकते हो, एंड ऑफ द वीडियो कस्टम स्टार्ट टाइम, तो आप यहाँ से सारा कस्टमाइज आप चैनल का कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। तो मैंने भी खुद ये अपने चैनल पे किया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने पूरा प्रॉपर सेट करके रखा है। अभी मैं इसमें और प्लेलिस्ट ऐड करूँगा, ताकि कोई भी विजिटर अगर मेरे चैनल पे विजिट करे तो उसको वीडियो, उसको मेरा नया चैनल, उसको पूरे प्लेलिस्ट सेपरेट कैटेगरी वाइज देखे, ताकि वो कहीं भटके ना, उसको प्रॉपरली अगर एफिलिएट के वीडियो चाहिए तो एफिलिएट पे क्लिक करेगा तो उसको सारे सीरीज के वीडियोज मिल जाएंगे। अगर वो यूट्यूब पे क्लिक करेगा तो उसको सारे YouTube रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, जिसकी मदद से उसको चैनल का डिज़ाइन, उसको प्रॉपर वे मैनेज दिखेगा, तो उसके कारण वो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेगा। सो गाइस आप भी इस ट्रिक को फॉलो करिए, अपने चैनल पे कस्टमाइज करिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेटिंग है, यूट्यूब की तरफ से आप ये कर सकते हो यूट्यूब स्टूडियो में जाके इजीली, ताकि आपका भी जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े। सो आई होप गाइस कि आपको प्रॉपरली समझ गया कि कस्टमाइजेशन चैनल क्यों करना है हमारे चैनल पे, और अगर आपको कुछ डाउट होता है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अपने चैनल का कस्टमाइज करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। थैंक यू।